के ऊपर तो EIGRP का इम्प्लीमेंटेशन है, हम R3 के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं कॉन्फिग्टी में जाने के बाद। राउटर EIGRP AS123 और जो नेटवर्क था 23 का 23110, और R3 पर भी जाके इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कॉन्फिग्टी। राउटर EIGRP AS123 और नेटवर्क AS23110, R3 और ये नेबर बन गए होंगे। शो IP AGRP नेबर, ये नेबर बन चुके हैं बिकॉज OSPF में तो ये तो था कि भाई लेफ्ट में नेबर का रेड आता था, बट यहाँ पे IP आ रहा होगा। इसके बारे में डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। R3 में हमें फिलहाल देखना है कि RID क्या होगी इसकी। तो कमांड बताया था हमने शो IP EIGRP टॉपोलॉजी, इसी कमांड कहीं रेड नजर आता है, कहीं RID लिखा हुआ है कि ओनली आईडी लिखा हुआ, दैट इज द रेड 23113। आप कह सकते हो दर वहां तो एक ही है, तो भाई ठीक है भाई R1 पे आ जाते हैं। R1 की रेड क्या होनी चाहिए शो IP EIGRP टॉपोलॉजी। फिजिकल तो वहां पर भी मौजूद है, अगर फिजिकल सिलेक्ट कर रहा होता तो फिजिकल लेना चाहिए था, वही सेम फंडामेंटल है। R2 पर जाते हैं तो R2 पर जो होना चाहिए वो शो IP EIGRP टॉपोलॉजी, यहाँ पे भी आपके पास रेट। अगर चेंज करना चाहते हैं तो कमांड बताया हमने कि भाई किसी भी राउटर पे जाने के बाद, कॉन्फिग टी पे जाने के बाद राउटर EIGRP 123 हम लिखेंगे, और अगर हम लिखेंगे राउटर आईडी तो ये तो कमांड ही नहीं लेने के लिए तैयार है। या लिखेंगे EIGRP राउटर आईडी, लेट्स से 1.1.1.1। तो यहाँ पे मैन्युअली हम चेंज करेंगे R3 के अंदर, तो रेट चेंज हो गया होगा, जाके देखते हैं। शो IP लिखा भी आ गया वैसे, नेवर डाउन होके अप हुआ है। शो IP EIGRP टॉपोलॉजी, अब ये बंद हो गई बात ठीक। तो अब NA की किताबों में नहीं होता, NPA की किताबों में भी नहीं होता, तो IE के कॉन्सेप्ट में आपको जब IE की हम प्रिपरेशन करते हैं तो पता लगता है कि भाई EIGRP का भी RID होती है, इसका भी यूज है, आगे पढ़ेंगे बताएंगे क्या यूज है इसका।